अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गाय फ्रॉम पाकिस्तान। और गाइस, काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि यार सैटरडे संडे लोग मेरे साथ एक्टिविटीज़ करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। मतलब कमेंट्स में मैं देख रहा था कि एच के भाई, ये लोग आपके साथ कैसे गेम्स खेल रहे हैं, कैसे आपके साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो गाइस, इसके लिए आप लोगों को मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको जाके ज्वाइन करो। और हमारे पास वेरियस चैनल्स हैं जिसमें चिलिंग होती है। सैटरडे संडे को मैं खुद आता हूँ वीसी में और आप लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, बातें करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग चैट करते हैं, वॉइस चैट करते हैं और फिर उसके बाद मजे मजे के गेम्स भी खेलते हैं। जरूरी नहीं है हम सिर्फ GTA खेलते हैं, GTA भी खेलते हैं और भी फ्री गेम्स जितने भी स्टीम पर हैं वो भी खेलते हैं। और साथ में डिस्कॉर्ड पे भी एक्टिविटीज करते हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन किया था, जिसमें से एक बंदा ड्राइंग बनाता है और सारे बंदे गेस कर रहे होते हैं। तो वो बहुत फन एक्टिविटी थी, फन गेम्स थे। तो मैंने सोचा कि फॉलोवर्स के साथ इंटरेक्ट किया जाए और काफ़ी यार चीज़ें सीखने को मिलती हैं, काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं, बहुत मज़ा आता है। और कभी गपशप भी लगाते हैं ऐसी बैठ के, काउंटर स्ट्राइक भी खेलते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस सैटरडे को भी और संडे को भी मैंने जो है वो एक्टिविटीज़ प्लान की हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग भी आओ, बहुत सारे लोग हों तो हम मिल के इन्जॉय करें। तो प्लीज़ गाइस, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और सैटरडे का वेट करो, इंशाल्लाह मिलते हैं सैटरडे को। और हाँ, एक बात तो बता रहा मैं भूल ही गया, ज़रूरी नहीं है गाइस कि इसमें ज़रूरी है कि आप लोगों के पास PC ही हो। आप मोबाइल से डिस्कॉर्ड पे आ सकते हो, वॉइस चैनल में आ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। और जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं डिस्कॉर्ड पे, मिनी गेम्स जो हम खेलते हैं, वो आप मोबाइल से भी खेल सकते हैं। तो गाइस, ये क्लैरिटी मैंने दे दी है। तो ये ना सोचना कि ये सिर्फ PS4, PS5, Xbox और PC वाले ही हैं। नहीं भाई, मोबाइल वाले भी मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो भी आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हम लोग सैटरडे को खूब जो है तफरी करेंगे, फुल भाई इंजॉय करेंगे, गपशप लगाएंगे। तो मिस मत करना चांस मुझसे बात करने का, और यू नेवर नो, अशरफ भाई भी आ सकते। ओके, तो मिलते हैं सैटरडे को गाइस, प्लीज ज्वाइन द डिस्कॉर्ड। अशरफ भाई, अब कब तक हम यहाँ पे रहेंगे? नासिर का तो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। अबे तुझे क्या है, टेस्ट कर भाई, मुफ्ते का खाना मिल रहा है, मुफ्ते की रिहाइश मिल रही है, फुल VVIP मजे आए हुए तेरे को क्या? यार नासिर का तो क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। सारे सर्च खानों में, सारे अस्पतालों में मैंने चेक कर लिया, जिंदा तो है वो, अब है कहाँ ये नहीं पता भाई। यही तो मसला है, किसी गैंग ने उठाया ही नहीं है उसको, हर गैंग कह रही कि मेरी दुश्मनी नहीं है। ट्रेवर भाई ने सही से पता करवाया है ना? अबे हाँ हाँ भाई, सही से पता करवाया, उससे ज़्यादा लिंक्स किसके होंगे शहर में भाई। कोई भी मानने को तैयार नहीं है, बोल रहे भाई हमें तो नहीं पता, मेरे को लग रहा है इसको तालिबान ले गए अफगानिस्तान। तालिबान क्या करेंगे उससे? पता नहीं, कोई कबाड़ी की वैकेंसी खाली होगी तो उन्होंने बोला होगा बुला लो। तो भाई हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? चला गया नासिर तो आ भी जाएगा वापस, अब क्या करें यार, ज़िंदगी रुक तो नहीं जाएगी ना। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ट्रेवर भाई कह रहे हैं अभी खतरा भी हो सकता है कोई, तो इसलिए कुछ अर्से तक यहीं पर रहो, बाद में देखेंगे भाई। रमज़ान भी आने वाले हैं। रमज़ान में टाइम है अभी यार, तब तो अपने घर ही निकल जाएंगे, फिलहाल जितने मुफ्त की रोटियां फाड़ सकते हो ना फाड़ो। और हाँ अशरफ भाई, इस मंथ हमने बिल्कुल भी अपने बिजनेस पे फोकस नहीं किया, तो काफ़ी जो है ना एडमिशन भी कैंसिल हो गए हैं और अपना जिम सही नहीं चल पा रहा है। इस दफ़ा जो है ना हमारा कोई मुनाफा नहीं हुआ, उल्टा ऊपर से पैसे खर्च करने पड़े। अबे तो क्या हो गया, खैर है भाई, जो नहीं आना चाहते भाई मुँह पे मार भाई, अपने मसले चल रहे, ऊपर से पानी भर गया था भाई। ये दिखाया तूने भाई जिम के मेंबर्स को कि भाई 50,000 रुपये हमें लगे पानी निकालने में, भाई बारिश की वजह से नुकसान हो गया, गारमेंट तो पूछ ही नहीं रही है हमें भाई, कुछ कुछ आने हाल ही नहीं है हमारा, हम क्या कर रहे हैं भाई। लेकिन ये कस्टमर तो नहीं बोलते ना, उन्होंने अपनी मेंबरशिप कैंसिल करवा दी। अबे भाई, हेरी भाई से मिलना पड़ेगा, उनको बोलो कि भाई दोबारा से हमारी मार्केटिंग कर देना, तो फिर बंदे आ जाएंगे हमारे पास। हेरी भाई कोई हमारे जो है ना नौकर नहीं है, और वैसे भी वो परसों आने वाले हैं, तो ज़रा उनसे चल के मीटिंग करते हैं, नासिर के बारे में बोल लेंगे। अबे क्या नासिर के बारे में पूछेंगे, नहीं मिल रहा भाई वो, अब क्या करें, क्या बताओ उनको बताओ। अबे भाई ट्रेवर से, ट्रेवर के भी लिंक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको भी पता हो। क्या पता भाई उनके पास ऐसे लिंक्स हो जो ट्रेवर भाई के पास ना हो। हाँ वो चल के बात करेंगे, फिलहाल अपने बिजनेस की हमने बात करनी है कि भाई कुछ करो यार, हमारी तरह थोड़ा मार्केटिंग कर दो। ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, नौकर नहीं हम हमारे, उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। याद है लास्ट टाइम क्या किया था? हाँ तो कर लेंगे कुछ यार, कोई नहीं, मुसीबत में गड्ढे को भी बाप बनाना पड़ता है, और ये तो फिर हेरी भाई है, क्या बोलता है? हाँ ठीक है भाई, जो भी है, अल्लाह करे नासिर जैसे गया वैसे ही वापस आ जाए भाई, बहुत हो गया भाई,
अब कहाँ ढूंढे उसको। अबे हाँ सही बात है, उसके खानदान वालों को उसकी परवाह नहीं है तो हम क्या करें भाई, निकल गया, हम क्या करें भाई, जिसने भी उठाया भाई वापस कर दे भाई, कोई उसके वैसे भी कोई पैसे तो देगा नहीं उसके, जो अगर कोई किडनैप कर लिया किसी ने। नहीं नहीं किडनैप नहीं हुआ मेरे ख्याल में, कहीं खुद ही चला गया। हाँ जैसे गया वापस आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो? मैं चवर भाई के पास जा रहा हूँ जरा यार। भाई हूँ यार, थक गए यार, नाचर का कहीं पता नहीं चल रहा है। मैंने तो बोला भाई एक डेग बिरयानी मंगवा लो, उसके नाम की फाटिया पढ़ लेते हैं। वही क्या कर रहे हो भाई, हर जगह फटा कर लिया, मिल के नहीं दे रहा अगला यार, ना अगले की दुश्मनी ना अगले का कोई मसला। अजीब सीन है यार, ऊपर से ट्रेवर भाई नाम यहाँ रखा हुआ, अच्छा है मेरे तो मजे ही आ रहे हैं। क्या कर दो ट्रेवर भाई, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ भाई यार, तुमने माफी नहीं कर दिया गाड़ी की। क्या माफी ने की है, अभी फ़िल्टर चेंज किया है और फ़िल्टर मंगवाए हैं, एसी का फ़िल्टर चेंज किया है, गाड़ी मेंटेन रखनी होती है और ये सिविक तो बहुत मेंटेनेंस मांगती है। हाँ तुम रगड़ते भी तो बहुत है ना, मेरे हाथ में होती ना जबरदस्त चलती। अब ये बात मैंने बार बार नहीं करनी भाई, नहीं सेल कर रहा मैं। अबे नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ जब माइंड बने तब कर देना ना यार, अभी फ़िलहाल तुम अपने जिम पे फोकस करो, तुम्हें बहुत लॉस हो रहा है। अबे भाई वो लोस्ट वोस्ट तो होगा, मेरे को गाड़ी लेनी है, मैं चाह रहा हूँ रमजान से पहले ना गाड़ी ले लूँ, फिर जो है ना रोजे की हालत में मैंने 1-5 पर नहीं रहना, ना धूप भी इतनी होगी, फिर जिम में जाऊँगा तो यार रोजा लगेगा मेरे को। हाँ तो देख लो भाई, और भी हैं शहर में गाड़ियाँ, फ़िलहाल मैं इसको सेल नहीं कर रहा यार, अभी जब माइंड होगा सबसे पहले तुम्हें बताऊँगा। चलो ठीक है भाई, लेकिन यार तुम पर छूट नहीं करती है, तुमने बहुत चला ली ना, अब थोड़ी अच्छी सी गाड़ी लो, माशाल्लाह से तुमने इतना प्यारा घर बना लिया है तो यार कोई अच्छी सी गाड़ी तो छूट करती है तुम पर। देख अशरफ, मुझे मक्खन लगाने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, जब मेरा मूड होगा सबसे पहले तुझे कॉल करूँगा, बस और बोल। हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ, अगर मेरा ऐसा घर होता ना मैं सिविक नहीं रखता भाई, मैं तो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से नीचे आता ही नहीं भाई, सीधी बात है आपस की बात है। हाँ भाई जब तेरा इतना बड़ा घर हो जाए तो तू ले रही हो भाई, मैं तो सिविक वाला ही हूँ भाई, सिविक वाला डोंडा हूँ मैं। अच्छा वो ट्रेवर भाई यार कुछ और पड़ा डाला कर नासिर का। अबे भाई मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, नासिर का मैंने हर जगह से पता करवा लिया, मेरे ख्याल में वो खुद चला गया है, अब जैसे गया है वापस आ जाएगा यार। यार वही फिगर हो रही है आबिद को भी, और आबिद कह रहा है कि यार अब हम घर वर कब जाएंगे कैशिन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तुम्हें गैरत थोड़ी जो तुम्हें प्रॉब्लम हो, तुम्हें तो मज़े आ रहे होंगे यहाँ पे। ऐसा बोलोगे अब? अरे मजाक कर रहा हूँ ना यार, देखो भरोसा नहीं है, क्या पता कोई दुश्मन हो, तो अभी थोड़ा सा एहतियात करो, अगले हफ्ते चले जाना, मैं ज़रा वहाँ पे थोड़े बंदे भी छोड़ दूंगा, ज़रा देख लें आसपास के कोई मसला तो नहीं, कोई तुम्हारे चक्कर में तो नहीं बैठा हुआ। हाँ हाँ ड्राइवर भाई ये कर दो तो अच्छा हो जाएगा यार। और हाँ यार ये अपनी बाइकें पीछे से हटाओ यार, बहुत मसले हो रहे हैं मुझे। मेरी बाइकें क्या कर रही हैं तुम्हें, क्या मसले हो रहे हैं मेरी बाइक से भाई? अबे भाई पड़ोसी बार बार आके पूछे जा रहे हैं भाई कि ये कहाँ कबाड़ा उठा के ले आया, क्या बेच रहे हो क्या? वाह वाह, एक तो पहले कबाड़ा बोलने और फिर बोलने बेच रहे हो, सुन रहे हो? हाँ वैसे दो बंदे मुझसे ही पूछ चुके थे कि यार ये 125 बेच रहे हो क्या, मैंने बोला नहीं भाई ये हमारी है। वही तो मैं कह रहा हूँ यार। हाँ तो भाई दूर से चमकती है ना 125 होंडा की वैल्यू है भाई, तो लोग तो आगे पूछेंगे ना यार, तुमने क्या बोला, क्या पैसे अच्छे लगा रहे थे? नहीं बात ही नहीं कि मैंने बोला नॉट फॉर सेल। अबे यार मेरी बात कर लो यार, ये मेरे को लाल वाली ये मेरे को निकालनी है यार, मैं कोई अच्छी चीज ले लूँ, बहुत काम निकाल लिया, अभी भी मैंने बहुत खर्चा करा लिया इस पर। तो भाई अब कोई आएगा ना मैं बोल दूंगा हाँ ठीक है लाल वाली बिक रही है, मैं तुमसे बात करवा दूंगा, फिलहाल इनको यहाँ से इधर उधर करो यार, लोग समझ रहे मैंने गाड़ियाँ और ये बाइकें बेचने का काम शुरू कर दिया। हाँ तो ये कोई हल्का काम नहीं है ड्राइवर भाई, तो आप ऐसे परेशान हो रहे हो। ड्राइवर भाई आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो अभी। जी वो ड्राइवर भाई मैं कहना चाह रहा था कि अब हम जा सकते हैं घर, मुझे तो नहीं लगता कि हमें खतरा होगा। यही बात मैं अशरफ से अभी कर रहा था, देखो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी का तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या मसला? नहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ से हमें जिम जाना होता तो दूर पड़ता है ना, और हम इसी वजह से अब टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, सुस्त हो गए हैं कि भाई आज मूड ही नहीं हो रहा, आज नहीं जा रहे, तो इसलिए समझा करें ना। अबे तो तुम लोगों को एक तो मैनेज करना नहीं आता है, बंदा रख लो ना, ये थोड़ी है कि जो भी बिजनेस डालो उसमें खुद बैठो भाई, हायर करना सीखो लोगों को। भाई क्या करें, नासिर होता था तो उसको बिठा देते थे। हाँ यार नासिर इस काम का वोट है यार, अब नासिर का जो है ना राग अलापना छोड़ दो, अगर वो नहीं मिल रहा नहीं है तो भाई ज़िंदगी रुक नहीं जाती, कोई एक बंदा हायर करो यार, कोई मसला नहीं है, 18-20 हज़ार में कोई स्टूडेंट लड़का मिल जाएगा, रखो उसको, कोई टेंशन थोड़ी, ज़रूरी थोड़ी कि तुम वहाँ बैठो। वहाँ ये बात भी सही है, अपने रहन में क्यों नहीं आया? हाँ ये बात तो सही है, हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यार हमारी ना मेंबरशिप बहुत लूज़ हो रही हैं। तो वो तो लूज़ होंगी, तुम लोगों को मैंने बोला था ये थोड़ी कि हर सब काम छोड़ के बैठ जाओ भाई, बिजनेस पे फोकस करना होता है, माशाल्लाह से अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी तुम लोगों की और अचानक से तुम लोगों ने छोड़ दिया,
भाई क्या करें, छोड़ नहीं दिया था, थोड़े सुस्त हो गए थे, क्या करें, बीच में नासिर का पंगा भी आ गया था। हाँ खैर वो तो आ गया था। खैर आबिद मैं यही बात कर रहा था शरफ से, मैं जो है ना अपने बंदे छोड़ देता हूँ एरिया में, हो सकता है कि भाई कोई गैंग तुम्हारे चक्कर में हो, यू नेवर नो, कुछ भी दुश्मनी हो सकती है। खैर हमारी अब किसी दुश्मनी नहीं है। देखो इंसान को पता नहीं होता उसके दुश्मनों का, लेकिन मैं एक वीक में जो है छोड़ दूंगा, वो थोड़ी रैकी कर लेंगे, जैसे क्लियर होगा तुम लोग चले जाना। यकीन करो तुमसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि एक बंदा यहाँ से चले जाए। हाँ आबिद से मैं भी परेशान हूँ यार। मैं आबिद की बात नहीं कर रहा था। ओह अच्छा मैं समझ गई। हाँ मैं भी सब समझ रहा हूँ टेवर भाई, तुम्हारी गुड्डी इतनी चिकनी हो रही, दिलचा देख दबा के जो ना चमाट लगाऊँ तुम्हारे। अच्छा खैर अभी क्या सीन है, खाना वाना खाने चलना है? हाँ चलना है यार, बहुत भूख लग रही है यार। चलो फिर गाड़ी में चलते हैं। हाँ गाड़ी में चलेंगे पागल, उतनी धूप में क्या 125 पे बैठ के जाएंगे। हाँ चलो ठीक है। वॉलेट ले आओ फिर अशरफ, तू ट्रीट दे रहा ना। कसम खुदा की पैसे नहीं है मेरे पास यार, आज सुबह ही मैंने जो है ना अपना बिजली का बिल पे कर दिया, वरना आपको दे देता मैं। मैं वैसे भी मजाक कर रहा था, मुझे पता था तुम टोपी करवाओगे। अबे नहीं नहीं आप मेरे से पहले बोलते मैं बिजली का बिल पे नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं यार खैर है, कोई बात नहीं ट्रेवर भाई मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं अबे तुमने पूछ लिया यही बहुत है, खिला तो मैं ही दूंगा। मैं बस इसको ना इस कंजूस आदमी को चेक कर रहा था। वाह अब गिनाना शुरू करूँ मैं? गिनाने की बात नहीं है यार, बस मौके की बात थी। चल आ जा गाड़ी में बैठ। देख रहे हो आबिद, देख रहे हो? क्या देख रहा हूँ, हाँ माशाल्लाह से अच्छी गाड़ी है। नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ ट्रेवर भाई खूब जो है ना आजकल मेरे पे मजाक कर रहे हैं बहुत। हाँ तो क्या मेरा मजाक नहीं है तेरे से? है लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ तुम जो है ना बहुत मेरी ले रहे हो। तो तुम पेश कर रहे हो तो ले रहा हूँ। नाइस वन ट्रेवर भाई। नहीं एक काम करो आबिद, एक काम करो ट्रेवर भाई जरा जगह देना, गोद में आके बैठना है इसने आपकी। तेरी बड़ी हटती है वो अगर मेरी साइड लेता है तो। हाँ ये जेलिस होते हैं। जेलिस नहीं होता भाई, फ़ौरन से ये अपनी पेश कर देते हैं आके तुम्हारे ना, मैंने बहुत नोट किया ये फ़ौरन से उठाने में सबसे आगे हैं वैसे, ये खलीफा हैं एक नंबर के। अरे जो भी है यार ये मजाक तो चलता रहता है, अब तो रमज़ान आने वाले हैं यार, फिर मुलाकात हुआ करेगी, याद है लास्ट ईयर की तरह बैठेंगे फुल। हाँ लेकिन नासिर को बहुत मिस करेंगे भाई। यार नासिर कसम से यार ऐसा गायब हुआ है गिरे से गधे के सर पर से सींग। हाँ यार पता नहीं कहाँ चला गया। अरे जहाँ भी गया है खुद आ जाएगा, मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। हमने तो पूरी कोशिश की ना, अब नहीं मिला हम क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी थोड़ी रुक जाती है। अरे ज़िंदगी थोड़ी रुक जाती है सही बात है। अब उसके खानदान वालों से मैंने पता किया भाई, मामू से पता किया, मामू को फिक्र ही नहीं, मामू बोल रहे मेरी बला से मरे भाई, मेरे 27,000 रुपये खाया हुआ है। मैंने वो तेरी कि मामू से भी पैसे लेके साइड हुआ भाई, और हमें कहता था कि पैसे नहीं है पैसे नहीं है, बड़ा हरामी था वैसे। अब ऐसा ही होता है यार, खानदान वालों की खानदान वाले ही मारते हैं, वैसे उसके मामू भी हल्के नहीं है भाई, बड़े चूना लगाते हैं वो। हाँ ये बात भी है, लेकिन फिर भी यार जो भी है यार मैं कहता हूँ बस अपना दोस्त सलामत रहे यार, आ जाएगा तो मैं उसकी लूँगा, मैं टाइट करके बोलूँगा ये कहता जी का यार। हाँ खैर है बस दुआ करो, खैर जिंदा ही होगा वो, क्योंकि अभी मैंने जितना भी पता करवाया कोई ऐसा मसला नहीं है, हो सकता है भाई शहर से बाहर चला गया, यू नेवर नो। हाँ हो गया भाई, अल्लाह मालिक है भाई, अल्लाह बड़ा साजगार है बस आ जाओ। तुम्हारे एरिया में जंगली कुत्ते बहुत फिरते हैं। अबे लोमड़ी थी ये। हाँ तो वो उससे भी बदतर है, ऐसे बोलो जैसे ये बहुत बड़ी बात है। अबे जंगली कुत्ता नहीं लोमड़ी है। अबे भाई यार ट्रेवर भाई सैंडी शोर से निकलो यार, एटलीस्ट बारिश में पानी जमा नहीं होता मेरे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह। वाह ले रहे हो ना, ले रहे हो मतलब ले लो। नहीं वैसे इस बात तो मैं एग्री करता हूँ, सैंडी शोर से पानी नहीं भरता। हाँ बेटो यहाँ पानी आटा कहाँ है, देखो ना ये तो सहरा है भाई, पानी कहाँ आटा है, यहाँ पे डेजर्ट है एक नंबर का। अब तू कुछ भी बोल ले भाई, तेरे एरिया में पानी भर गया था, बिजली की तारें टूटी हुई थी, करंट लग रहे थे, तो बेटा ये बात तो करो ही नहीं। हाँ हाँ जो भी है जो भी है। हाँ हम भी परेशान हो गए यार, जब से हमने अपनी प्रॉपर्टी की है वो वाली, तो भाई अब तो इलाका ख़राब हो गया, बहुत एले मेले लोग आ गए वहाँ पे, है ना आबिद? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे रहते हुए और भी एले मेले लोग आ गए वहाँ पे? ट्रेवर भाई बहुत ज़्यादा हो रहे, मैं बता रहा हूँ। अभी देखो तुम्हारे एरिया में कोई ढंग का रेस्टोरेंट नहीं है, जाना तो मैं हमारे एरिया में पड़ रहा है, तुम्हारे एरिया में नहीं जा रहा, लॉस सैंटोस में जा रहा हूँ। हाँ तो हम भी लॉस सैंटोस में रहते हैं भाई, हम भी कोई टीटा वटनी में नहीं रहते भाई। आप रहते हो ये बीच साइड पे, उधर ये छोटे मोटे खाने वाले ऐसे तो मेरी तरफ भी हैं भाई। चलो जो भी है जहाँ भी खिला रहे हो, हमारा क्या जा रहा है, तुम खिला रहे हो? हाँ भाई मैं ही खिला रहा हूँ यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, तुझे जो खाना है बोल अशरफ, जो खाना है बोल। ओह भाई नोट आ रहा है, फिर तो भाई महंगी जगह से खिलाओ।
नहीं मैडम लंबा तेरी जान कसम है लंबा लंबा नहीं मैडम लंबा तेरी जान कसम है लंबा। भैया मेरे को कुछ खाने का दे दो। चुप कर जा, खाने को दे दो तुझे। यार मेरे को वो केला रखा हुआ है, केला दे दो यार, मेरे को इतने दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा केला खाएगा, ज़्यादा बोलेगा ना अपना केला खिला दूंगा। चुपचाप बैठा रहे। ये कैसे लोग है यार, मैं तेरे को देखूंगा। मेरे सामने बैठ गए, तू किन्नू खा रहा था। अब दे दो यार, आधा किन्नू दे दो। वो मैं नहीं दूंगा, नीचे दूंगा। चुप रहे, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मरने का शौक है ना, सफर कर जा। अभी मारेंगे तुझे, तेरी ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। ये तो ख्वाहिश पूरी कर रहा था, पर मेरे को केला भी दे दो ना यार। ज्यादा मत बोल, वरना सारे फल तेरे अंदर दे दूंगा। चुपचाप बैठ जा। ऐसे लोग यार, ये लगा तो मैं बताऊंगा, ये लगा तो मैं बताऊंगा। लंबा नहीं मैडम लंबा, तेरी जान कसम है लंबा लंबा नहीं मैडम लंबा। अरे मेरे मोटे मोटे, अरे मेरे जाने। हेलो, मेरे को खेला देगा, खेला देगा मेरे को। ऐसी जिंदगी से अच्छा का मौत बेहतर है, मैं भी लड़का मरूंगा। भूखा रखा हुआ था, मेरे को फसल में मर रहा था, अभी मैं एक नहीं छोड़ूंगा। और कितने लोग है, मेरे को तो आँख पे पट्टी बांध के लेकर आते हैं लोग। यहाँ तो बहुत सारे लोग है, मेरे को बस चुप चुप के जाना पड़ेगा। मैं तेरा बाप, ये गोली चल गई। अली भाई को फोन लगाओ, अली भाई को फोन लगाओ। अली भाई को फोन करो जल्दी जल्दी। मैं तो तेरे घर में बैठी हूँ। ट्रक से मेरे पे घर घर बहरा कदरा बहरा मेरे को खाने का नहीं दे रहे थे, सोने नहीं दे रहे थे। और खान खान बचा इधर, वो किधर है, अली किधर है? मेरे को लग रहा है अली इधर नहीं है। मौके का फायदा उठा के मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, नहीं तो अगर अली आ गया ना मेरे को मार देगा।
मेरा ख्याल भैया भर जाने का रास्ता, भर भी लोग आ गए। लगा नाम लगा निकलता हूँ। मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा, पीछा तो नहीं कर रहा मेरा कोई। जल्दी जा सर बैग में कॉल मिला तो। गाड़ी ले गया सारा। इतने बंदों में से कैसे भाग सकता है वो? जरूर कोई आया होगा उसको छुड़वाने। काशिफ, बासित नहीं बासित, एक बंदा नहीं संभाल पाई है। सारे बंदे मार गया क्या मेरे ये? नहीं नहीं अबेद, अबे तू नहीं बचेगा अब। जाफर, ओए मुदस्सिर, नहीं यार अबेद, अब तू नहीं बचेगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे।